खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करिए आरपी टीवी न्यूज और नोटिफिकेशन के लिए। स्वयं की एफडी को तोड़कर ऑक्सीजन मशीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेंट की। दशोरा समाज के युवक की पहल से बचेगी एक व्यक्ति की जान। ठीकरी में कोरोना महामारी संक्रमण शहर, जिले, कस्बे सहित गांव की ओर अग्रसर है। छोटे से लेकर बड़े इंसान अब इसकी चपेट में है। वही ठीकरी नगर के व्यापारियों, युवाओं एवं ग्रामीणों के हौसले बुलंद है। नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत ग्राम केरवा में कोविड सेंटर संचालित है, जहां अभी तक 10 से अधिक ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर भेंट किए जा चुके हैं, जिससे कई लोगों की जानें बचाई गई है। वहीं नगर के व्यापारी एसोसिएशन के आशीष महाजन एवं शैलेंद्र महाजन के द्वारा बाईपे मशीन भेंट की। वहीं नगर के दशोरा समाज के युवक पंकज गुप्ता के द्वारा ऑक्सीजन के लिए लोगों की तड़प को देखते हुए अपनी एफडी को तोड़कर ऑक्सीजन मशीन इंदौर से बुलवाकर स्वर्गीय कमलाबाई नानासा गुप्ता की स्मृति में मंगलवार को भेंट की। वहीं श्री गुप्ता ने बताया कि मेरे पास 45,000 की राशि एकत्रित थी, जब मशीन की कीमत व्यापारी के द्वारा पहले 48,000 बताई गई। मैंने एफडी की राशि आने तक 2 से 3 दिन का समय मांगा। 2 से 3 दिन बाद संपर्क करने के बाद वही मशीन की कीमत 65,000 हो गई। यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ कि इतनी कालाबाजारी क्यों। हम लोगों के जीवन के लिए अपना स्वस्थ व लुटाने को तैयार है, मगर कुछ पैसों के दलाल मानवता को खोकर अपनी जेब भरने में लगे हैं। इस दौरान दशोरा समाज के अध्यक्ष गजेंद्र गुप्ता, राकेश गुप्ता, कैलाश चंद्र गुप्ता, दीपक गुप्ता, सुनील गुप्ता, प्रशांत गुप्ता सहित ग्राम के लोग मौजूद थे। गुप्ता है भाई साहब, अभी आपने अपने निजी जो एफडी कर रखी थी अपने किसी वर्क के लिए, काम के लिए, उसको तोड़कर आपने एक सार्वजनिक काम में जो वैश्विक महामारी चल रही है इसमें आपने एक ऑक्सीजन मशीन दान करी है, इस पर क्या कहेंगे, कैसे प्रेरणा मिली है और कहाँ से? सर मैं कुछ लोगों को बस एक एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी वो बहुत ज़्यादा कालाबाजारी कर रहे हैं जो रेडेमसिविर इंजेक्शन को लेके या फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन को लेके, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि ये बंद कर दीजिए। बहुत लोगों के दर्द दुख को देखिए, अभी लोग बहुत परेशान हैं, बहुत लोग अपने को खो रहे हैं, तो आप कृपया करके कुछ पैसे अगर कमा भी लेंगे तो ऊपर वाला सब देख रहा है, तो आप ये सब बंद कर दीजिए, बस यही मेरा सबसे निवेदन है। मैं पूरे समाज और नगर की ओर से पंकज भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वो इसी तरह की भावना से और आगे भी काम करते रहें और समाज हित में कदम उठाते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद उनका साथ। मैं राकेश गुप्ता हूँ, राकेश गुप्ता। सर आज मशीन दान की गई ऑक्सीजन मशीन, क्या कहें? समाज के एक बच्चा है हमारा पंकज कैलाशन गुप्ता, जिनके 40,000 की एफडी रखी हुई थी, तो उनको ये महामारी में उनका मन हुआ, वो देखने के बाद उनका मन था कि मैं ये 40,000 की जो एफडी पक गई है तो मैं इसमें मशीन दान में देता हूँ। तो उसका मन ऐसा विचार हुआ तो समाज के लोगों ने उसको प्रोत्साहित किया और वो अच्छी बात है। उसके बाद में समाज के 44,000 रुपये की जो मशीन के लिए इन्होंने पेमेंट कर दी थी, फिर वही मशीन थोड़े आगे बढ़ते हुए फिर 48,000 रुपये में मांगी गई, पैसे मांगे गए। उसके बाद में अभी 65,000 रुपये में मशीन ये हमारी आई है, ये ऑटोमेटिक है क्या। और समाज की ओर से जो सामुदायिक भवन में ये मशीन पंकज भाई द्वारा दी गई है, इसके लिए पंकज भाई को समाज की ओर से व्यक्तिगत भी हम उसको बधाई और धन्यवाद देते हैं। और साथ में यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में श्री तिवारी जी, मुजालदे जी को भी धन्यवाद कि इस समय ऐसे कोरोना के टाइम पे वो अपनी ड्यूटी बराबर दे रहे हैं। ये हर खबर पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए।